नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। पिछले दिनों उप महापौर हसमुख गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए महानगर पालिका और MIDC के लोगों को चेताया था कि अगर मीरा भाईंदर की जनता को पूरा पानी जो नियमित किया गया है MIDC की तरफ से 125 ML नहीं मिलता है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे उनके दलान के बाहर, जिसकी तारीख उन्होंने 12 तारीख दी हुई थी। आपको बता दें कि उसके पहले ही मीरा भाईंदर वासियों को 125 नहीं लेकिन 110 के करीब पानी मिल रहा है, जिसका श्रेय हसमुख गहलोत पत्रकार बंधु और मीरा भाईंदर की जनता को दे रहे हैं, और इसलिए उन्होंने 12 तारीख को होने वाले धरना प्रदर्शन को स्थगित किया है। इसी विषय पे खास बातचीत में क्या कहा हसमुख गहलोत ने, आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। मेरा फिर से कहना है कि पानी के विषय के ऊपर कोई भी राजनीति न करे, अगर किसी को करना है तो इंसानियत के तौर पर उसकी मदद करे और शहर को पानी पूरा मिले। और 100% में राजनीति हुई थी, अब ना मशीन आई है, ना स्क्रीनिंग आया, ना बूस्टिंग आया, कुछ भी नहीं आया, उसके बावजूद शहर में 115 नहीं आते हुए 113 110 पानी आया कैसे? तो किधर ना किधर उनकी वो कमतरता थी। सीधा आरोप लगा, अब कौन किसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि किन लोगों ने मीरा भाईंदर की जनता को भ्रमित किया है और अपने स्वार्थ के लिए पानी की कटौती की है? मेरा सीधा सीधा आरोप ये कि स्वार्थ के लिए किया है कि नहीं किया वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात नक्की था कि 2019 के अंदर पानी 110 115 MLD पानी आ रहा था, और आज की तारीख में वो कुछ 8-10 महीनों से 95-90 तक चला गया, 100 तक चला गया। जब हमने आंदोलन की बात कही और उनको लग रहा है कि धमकी, जब हमने आंदोलन की बात कही तब वो जागे, तब वो उठ के भागे कि भाई एक गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों उन्होंने भ्रमित कर दिया था शहर के अंदर कि BJP पानी नहीं दे रही है। अरे भाई पानी होगा तो देंगे ना, पानी होगा तो देगा ना, मतलब हमारे जेब में अगर खाना है तो मैं खाना खिला सकता हूँ, खाना नहीं तो खिलाऊंगा कैसे? खाना देने का काम था महाराष्ट्र सरकार का, जो वो MIDC और स्टेट के द्वारा हमें पानी आता था, उनके ऐसे पानी नहीं आता तो हम देंगे कैसे? जब आंदोलन की बात कही हम इस स्तर तक पहुंचे तब वो हरकत में आए और आपके माध्यम से और प्रेस वालों के माध्यम से उनके कान खड़े हुए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि शहर में ये पानी आता था। अब वो श्रेय लेने घूम रहे, हमें श्रेय नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती श्रेय लेने के लिए, अगर आपको श्रेय मिलता तो आप लीजिए, लेकिन ना ही मंत्री महोदय जी को, ना ही लोगों को, खास तौर पे लोगों को और ना ही मीडिया को आप भ्रमित करो कि भाई इसमें पानी की प्रॉब्लम ये था या वो था। कौन ले रहा है पानी का क्रेडिट? मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा तहे दिल से हमारे मीरा भाईंदर के वासियों को, जिनका आशीर्वाद था और हमने फॉलोअप किया, आयुक्त महोदय और MIDC उनको दूंगा, और साथ ही साथ अगर ये सब हम एक छतरी के नीचे आए या एक तंबू के नीचे आए तो किधर न किधर पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो पत्रकार बंधु को जाता है, बाकी अगर कोई श्रेय लेना चाहे तो उसकी मर्जी। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने कल मेरे आते आते मुझे किसी दोस्त ने बताया कि अरे यार ये क्या कहते हैं मेट्रो का कुछ काम चल रहा है और आमदार महोदय कुछ ओपनिंग कर रही है। सरकार तुम्हारी है, आप ओपनिंग कर सकते हो, आपका अधिकार बनता है। मेट्रो किसने लाया है सबको पता है, मुझे उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्रॉस गेडर बिठाने के लिए उनके पास समय है कोरोना के हाल के अंदर कि किसने मेट्रो लाया वो विषय नहीं है। सरकार अगर आपके यहाँ ओपनिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इतनी छोटी वाली राजनीति तुम ना करे। इसका अंदर जो गद्दे रखे हुए हैं वो सब आंदोलन के लिए थे? हाँ जी। कितने लोगों के बैठने का इंतजाम था? मैंने कहा था कि जो भी हम करेंगे किधर ना किधर जो कोरोना के जो नियम दिए गए राज्य द्वारा उसी को पालन करते हुए हम करेंगे। नक्की किया था साथीदार से मिलके, सभागार नेता, सभापति और माजी सभापति सब लोगों ने मिलकर नक्की किया था साथ में महापौर के इशारे से और हमारी नेतागण के इशारे से कि भाई शहर के हित में ये काम होना चाहिए था, तो हम लोग इतना फॉलोअप करके ले रहे थे। लेकिन लास्ट में जब हमने नक्की किया कि 12 तारीख को हम ये आंदोलन के लिए बैठेंगे, नक्की होने के बाद में प्रशासन यानी अधिकारीगण जो पानी पुरवठा के डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी निवेदन आया, फिर आयुक्त महोदय से भी निवेदन आया कि कृपया करके ऑलरेडी जो 30 ML जो पानी शहर के लिए कम आ रहा था उसकी जगह पर अभी 15 ML हो गया है, 30-15 ML आ चुका है, और जो महीने की जो कपाती है, जो हफ्ते की कपाती वो भी रद्द हो चुकी है। तो आयुक्त महोदय जी ने और पुलिस प्रशासन ने भी निवेदन किया कि कृपया करके हो सके तो ये कोरोना के जो प्रादुर्भाव चल रहा है और उसमें तकलीफ और शहर के लिए और भी है तो इसके लिए फिलहाल आप कैंसिल कर लीजिए। हमने सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि कैंसिल न करते हुए और उनसे शब्द लिए और उनका मान रखते हुए, उनका पत्र का मान रखते हुए, पुलिस प्रशासन का मान रखते हुए और शहर के हित को देखते हुए कि हाँ 15 ML पानी बढ़ चुका है और उन्होंने शब्द दिया कि 15 ML जो बढ़ चुका है वो कम नहीं होगा और जो 125 ML MIDC से जो पानी आता है उसमें पूरा फॉलोअप करके वो पूरा हम शहर के लिए लेके आएंगे। वो दिया शब्द दिया है उन्होंने मौखिक तौर पर, आयुक्त महोदय जी ने पत्र निवेदन भी दिया हुआ है, तो उनका मान रखते हुए फिलहाल हम ठिया आंदोलन स्थगित कर रहे हैं।
कटौती हो रही है मीरा भाईंदर में, इसके पीछे क्या राजकारण लगता है आपको, क्या वजह है कि दो लोगों की लड़ाई में मीरा भाईंदर की जनता जो इतनी मेहनत किस रही है? आपने भी देखा होगा और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली बार कोई प्रिंट मीडिया में पेपर में आया था कि किसी दो मंत्री महोदय या किसी दो आमदार के महोदय आपसी मतभेद के कारण मीरा भाईंदर शहर को भुगतना पड़ रहा है, और मैं चाहता हूं कि आज ये पोल खुल गई है कि ऑलरेडी 115 पहले आ रहा था, लेकिन किसी कारणवश पहले 4-5 महीने के अंदर पता चला कि 115 ना आते हुए 95 MLD आया था, और किधर किधर ये बात है कि 100% शेयर को उन्होंने शायद ग्रांटेड ले लिया था, या राजनीति खेल रहे थे, या अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। मेरा फिर से कहना है कि पानी के विषय के ऊपर कोई भी राजनीति ना करे, अगर किसी को करना है तो इंसानियत के तौर पर उसकी मदद करे और शहर को पानी पूरा मिले, और 100% इसमें राजनीति हुई थी। अब ना मशीन आई है, ना स्क्रीनिंग आया, ना बूस्टिंग आया, कुछ भी नहीं आया, उसके बावजूद शहर में 115 नहीं आते हुए 113, 110 पानी आया कैसे? तो किधर न किधर उनकी वो कमतरता थी,